अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज यार आप देख रहे हो फिर से मौसम अच्छा है, जून का महीना चल रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे मार्च या अप्रैल चल रहा हो, जबकि मूनसून की बारिशें वगैरह, मूनसून तभी होता है ना, नहीं बल्कि बाहर होता है तब भी, बहरहाल बारिशें तो होती ही हैं। और आज फिर ओले पड़े, मेरे साथ है फराज और फराज से पूछते हैं कि इसको इंगेजमेंट के बाद ही मिल रहा है, इंगेजमेंट के बाद कैसा लग रहा है? इंगेजमेंट के बाद मिले हैं, क्यों नहीं मिला? अच्छा वीडियो कैसी लगी थी तुम्हें इंगेजमेंट? वीडियो अच्छी थी, इट वाज गुड, लेकिन तूने शेयर नहीं किया अभी तक, है ना, वो गिला रहेगा। शेयर मैंने की थी? नहीं की थी। अच्छा खैर अभी भूख लग रही है तो चलते हैं बनू पुलाव, मेरा बनू पुलाव खाने का बहुत दिल था। नहीं बनू पुलाव चलते हैं, व्लॉग खराब ना कर, व्लॉग के लिए मैं ये अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ। ऑडियंस अच्छा वरना यह है, मैं ना एक टारगेट नहीं रखता अपनी वीडियो के लिए ना, इस दफ़ा मैं टारगेट अपनी ऑडियंस को दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कितने 1000 लाइक्स करने हैं इस वीडियो पे, ठीक है? अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आए तो आपको कुछ स्पेशल मिलेगा, ठीक है? तो अभी बनू पुलाव चलते हैं और उसके बाद फिर आपसे। खाने और ये हमारे साथ प्रैंक हो गया। हाँ इतने तेज ओले पड़ रहे हैं, मैं आपको बताएंगा पूरे सारी जगह ना वाइट हो गई है, इतना शोर है ओलों का और अभी शेड भी नहीं है इधर। अच्छा जी बनू पुलाव हम पहुँच चुके हैं और यहाँ बहुत बारिश हो रही थी तो अभी अब ज़रा बारिश के साथ पुलाव एंजॉय करते हैं और फिर सेफ जगह पे आए हुए हैं। माशाल्लाह बनू पुलाव का एक अपना म्यार है, आपकी चॉइस के सलूट है ज़बरदस्त, जैसे तैसे इस मौसम में वेदर में यहाँ आ गए हैं, अब खाना आप इंजॉय करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह गॉड ब्लेस, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू यार भाई जान, ये आधा किलो तो लगा दें एक प्लेट। ये ज़बरदस्त किस्म की प्लेट भाई ने हमारे लिए लगा दी है, फुल बोटियों से भरी हुई है और ज़बरदस्त किस्म के चावल पड़े हुए हैं, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा मुल्तान में दो जगह के चावल बीफ पुलाव बहुत ज़बरदस्त होते हैं, एक यहाँ बनू पुलाव और दूसरा मेरी मामी के हाथ के पुलाव। यार मामी इतने ज़बरदस्त किस्म के बनाती है ना पुलाव, बहुत ज़बरदस्त, सेम ऐसे ही ऑथेंटिक टेस्ट होता है जो कि पुलाव का होना चाहिए। अच्छा जी अब आ गई हमारे पास एक फुल प्लेट जिसके अंदर एक नली भी है, उसको भी देखते हैं, इसके साथ भी कुछ ना कुछ करते हैं बस। और चावल फिर से बोटियाँ भरे हुए ज़बरदस्त किस्म के, बारिश के साथ तो मज़ा भी बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। है फ्रास गुम है यार, बहुत अच्छा भाई पुलाव खा के बहुत ही मज़ा आ गया और पेट यहाँ तक फुल हो गया, तो बस अब और कुछ खाने या पीने की गुंजाइश रह ही नहीं गई। फराज ने तो इतना सही तरीके से खाया नहीं है लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया और बहुत ही ऑथेंटिक और रिच इन टेस्ट इनका बहुत ही ज़बरदस्त बनू पुलाव होता है और बोटियाँ फुल भरी हुई होती हैं, चावलों में ज़्यादा बोटियाँ होती हैं इसके अंदर ना। और फराज से पूछते हैं उसको कैसा लगा। फराज अच्छा था मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ा पर अच्छा था, तो बहुत ही मज़ा आया है। सिर्फ बनू पुलाव में वही बात कहता हूँ कि मुल्तान में बीफ पुलाव जो है ना सिर्फ दो जगह का अच्छा है, एक यहाँ बनू पुलाव अगर आप लोगों ने खाना हो और दूसरा मेरी मामी जो बनाती हैं, इतना ज़बरदस्त होता है ना, प्योर ऑथेंटिक जैसे इनका सेम वैसे ही होता फराज, इतना कमाल का ना। और जितने मेरे कज़न्स हैं उन सबको पता होगा कि इतना ज़बरदस्त पुलाव बनाती हैं। तो खैर अभी चलते हैं जमील की तरफ, जमील की तरफ जाना है, कहाँ जाना है?
अच्छा भाई, जमील के घर हम आ गए और आज हमारा प्लान यह है कि हम अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगे और कुछ पुराने क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ऐसी है जमील? तो कुछ क्वेश्चंस हमने चैट जीपीटी से लिखवा लिए हैं, अब पूछते हैं। जमील स्टार्ट करेगा कि मैं शुरू करूँगा पूछना? ठीक है यार, जो जिन लोगों को इंग्लिश समझ आती है उनके लिए वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ आप स्किप कर लें आगे। हु वॉज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू कम अप विद क्रेजी आइडियाज और एडवेंचर्स? आई गेस आशिर। आशिर था। पॉइंट आउट करना ताकि पता है वो, मतलब आशिर हमें हर साल कहता है क्या इस दफ़ा जहाँ चलेंगे, इस दफ़ा वहाँ चलेंगे, कश्मीर चलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। इंप्लीमेंट नहीं होते थे प्लान्स। नहीं, आशिर कर लेता है अपने पर। हम, मैं खुद तो कर लेता हूं। हम नहीं है उसके प्लान में हिस्सा बन पाते हैं। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो अभी कमेंट कीजिए। ये ओवर हो गया थोड़ा सा। हु वाज द बिगेस्ट डेयर डेविल अमंग अस? स्कूल में तीनों ही हम फारिग थे, कोई भी नहीं। हु वाज द मोस्ट मिस्चीवियस अमंग अस ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड? फराज। डाल दो मेरे पे। फराज 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 समझाता था, मार भी खाता था फराज उस हिसाब से। मुझे याद है सर सईद और मिस आबदा और मिस रुखसाना, जस्ट टू नेम अ फ्यू। सबसे मार खाई है फराज ने, सबसे मार खाई इसी और इसी वजह से। सर सईद के पास खेड़ी थी, तकरीबन 2 इंच मोटी खेड़ी थी उनके पास ना, तो फराज के पास अभी भी निशान होगा। फराज अगर आप दिखा सके ऑडियंस को। हु वाज द बेस्ट एट कीपिंग सीक्रेट्स? अपनी तारीफ करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आई गेस मैं इसमें अच्छा हूँ। स्टिल who was the most likely to pull a prank on someone? आशिर। मैं मतलब शुगर लगाता हूँ। आशिर की शुरू से पर्सनैलिटी थोड़ी तंग करने वाली थी, शैतानी सी पर्सनैलिटी थी। कल्ले भी बहुत खाए इसने इस वजह से। तो ये ओके, हु वॉज द मोस्ट एडवेंचरस वैन इट कम्स टू ट्राइंग न्यू थिंग्स? फराज। ये फराज को मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था हम पीछे क्रिकेट खेल रहे थे तो फराज ट्राइड समथिंग न्यू, फराज ने गेंद गुम कर दी। इसको पता था मुझे उस दिन को, मैंने कहा था कि गेंद गुम नहीं करनी, बॉल गुम नहीं करनी। इसने क्लियरली बोला था, कहना बॉल गुम नहीं करनी, कोट टू कोट मैंने बोला था, मैंने कहा फराज गेंद गुम ना करना। फराज ने वही की अगली बॉल के ऊपर, और फिर और कहा भी था इसने कि मैं उड़ा रहा हूँ, और कहा था इसने उड़ा रहा हूँ, और फिर वो हुआ जिसका डर था। और अच्छा फराज के लिए होता है कि तू जब फराज को दीवार के साथ लगा देता था, मैंने फराज को ऐसे गिरबाज से पकड़ा और इसको दीवार के साथ लगा दिया, और फराज का रिएक्शन होता था। तो अभी फराज माशाल्लाह 7-8 साल बाद इतना माचो खचो बन गया, तो ये अंदर से भी वो फुल्की ही है। लेकिन अब हम दोनों को साइड में लगा देंगे। ओके, हु वाज द मेसिएस्ट और मोस्ट डिसऑर्गेनाइज्ड अमंग अस? आशिर। आशिर बहुत गलीज है, आशिर बहुत गलीज। हु वाज the most likely to get into trouble at school? Faraz. पूरी क्लास की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि उसके ऊपर जो भी होता था फराज के ऊपर इल्जाम लगाता था पूरी क्लास। अगर हुआ है कि नहीं, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम उर्दू का लेक्चर था, तो हमारे लेक्चर 1.5 घंटे के होते थे, हमारे 90 मिनट्स के लेक्चर होते थे हमारे, तो उसमें हम फर्स्ट 30 मिनट्स रिविजन करते थे और बाकी अगले 60 मिनट्स में हम टेस्ट देते थे। तो रिविजन कोई करता नहीं था, सारे बातें करते थे। एक दफ़ा क्लास में बहुत शोर हो रहा था, मिस आबदा वाज़ आवर टीचर एट स्कूल बैक देन, तो उन्होंने पूछा कि कौन शोर कर रहा है ना, तो सब पूरी क्लास ने कह दिया कि फराज शोर कर रहा है। तो मिस आबदा ने कहा कि फराज हमेशा ऐसे करता है, फराज खड़े हो जाओ। फराज तो है ही ऐसा हमेशा ऐसे करता है, फराज खड़े हो जाओ। तो जब देखा तो फराज था ही नहीं, फराज उस दिन स्कूल आया ही नहीं था, छुट्टी था, एब्सेंट था। फराज एब्सेंट था। हु वाज द मोस्ट कंपिटिटिव इन गेम्स और स्पोर्ट्स? गेम तो स्पोर्ट्स फराज तो मैं शुरू से नहीं करते थे, हम क्रिकेट खेलते थे वो भी स्कूल लेवल तक, वो भी मैं ही खेलता था। आशिर फुटबॉल खेलता था, बैडमिंटन बहुत खेला, टखना भी टूटा आशिर का, घुटना भी टूटा आशिर का। ऑपरेट करा लिया, लेकिन करा लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपके पास टाइम बहुत कम वगैरह वगैरह, इस तरह की बात होती। ओके, हु वाज द मोस्ट लाइकली टू मेक एवरीवन लाफ विद द जोक्स और फनी स्टोरीज? आशिर, हमेशा से, शुरू से। ही वाज ऑलवेज द वन जो कि हमारा टाइम पास कराता था, सारी स्टोरीज सुनाता था। Who was the most sentimental or emotional among us? Jameel. Jameel. Any particular reason why? Yaar, koi wajah bacha nahi hai, hame bas hawa mein teer marna hai. Yaad nahi hai. Who was the best at keeping in touch and maintaining the friendship over the years? Mujhe apni tareef karne ka shauk nahi hai, lekin Faraz. He's always the one. Isne hi matlab jab school hamara khatam hua tha, Jameel aur mere darmiyan clash aa gaya tha. इसने कहीं और एडमिशन ले लिया था, मैंने कहीं और ले लिया, और उस बात पे हमारी लड़ाई भी हो गई थी, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया आशिर को। ओवर द इयर्स मैं उस बात को भूल चुका हूं, मैंने माफ़ कर दिया। माफ़ करना किसको चाहिए था? मैंने माफ़ कर दो दिया। साल हमारी लड़ाई रही है, और उसके बाद फिर क्रेडिट गोज टू फराज जिसने हमारी दोस्ती दोबारा। मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं ना ही कराता। हु वॉज द मोस्ट स्टडियस और एकेडमिकली इंक्लाइंड? जमील। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला था, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था, बस वीडियो कर, लेकिन पढ़ने वाला था। और जब
टीचर मेरे 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 तवस्सुत से आशिर के नाम आशिर को बायो केमिस्ट्री में बहुत मजे हुए हैं इस्लामाबाद में अक्सर इसको मैंने मजे करवाए टीचर्स वगैरह कहते थे कि आप ना जो मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है ना मिस रुसाना अक्सर कहती थी कि हमें मैं मुझे केमिस्ट्री और बायो का पेपर चेक करें पेपर चेक करें तो मुझे याद है हमारी क्लास में था अवैस उसका उसको कहते थे डॉन और हमजा मसूद और ये अब्दुल्ला बलोच और आशिर ये चार इन चारों में मेरी खसूसी रहमत और शफकत होती थी इन चारों की मैंने बहुत मजे कराए लेकिन एक बात है जमील मेरा दोस्त होने की बजाय उनके नंबर फिर भी लगाए तो ना मेरे हर वक्त नहीं क्योंकि वो आशिर क्योंकि वो हमजा मसूद और अवैस टीचर के पास अकेडमी पढ़ने जाते थे इसीलिए ताकि मैं पता लगे कि मैं उनको पढ़ा रही हूँ तो इनमें फ़र्क भी आ रहा है दैट्स द रीज़न दैट्स द ओनली रीज़न हु वॉज द मोस्ट क्रिएटिव और आर्टिस्टिक अमंग अस बिगेस्ट फूडी अमंग अस ये तो आप मेरे ब्लॉग्स में ही देख लेते होंगे अभी रिसेंटली होना और ज्यादा खाना ये भी डिफरेंस है लेकिन फिर भी जमील को ये क्रेडिट जाएगा सारे क्रेडिट मैं ले लूं किसी तरह लेकिन ये नहीं ले सकता वो पिज़्ज़े वाली क्या सुनो ना कहानी पिज़्ज़े वाली स्टोरी बताना अच्छा बात दरअसल ऐसी है कि मेरी फराज के इफ्तिखार की शर्त लगी फराज और इफ्तिखार ने मुझे कहा कि तू एक लार्ज पिज़्ज़ा नहीं खा सकता इम्पॉसिबल है तो मैंने कहा मैं खा लूँगा तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम संडे को तेरे घर आएंगे तो हम अलमायदा जाएंगे अलमायदा उस वक्त नया नहीं आया था उन्होंने कहा तो अलमायदा जाएंगे उसका लास्ट पिज़्ज़ा आप खाओगे मैंने कहा ठीक है मैं खाऊंगा तो ये इनको आने में थोड़ा लेट हो गया मुझे लगा ये नहीं आएंगे तो घर में बने हुए थे आलू के पराठे मैंने आलू का पराठा खा लिया वो याद नहीं मैंने एक खाया डेढ़ खाया लेट से एक खा लिया मैंने आलू का पराठा तो मैंने खा ली जैसे मैं खा के बैठा तो ये फराज और इफ्तिखार आ गए इन्होंने कहा आओ चले मैंने कहा मैंने तो खाना खा लिया इन्होंने कहा कि नहीं डर गया पड़ गई तेरी तो मैंने कहा कि ये तो ज़िद्द बात आ गई है मैंने कहा चलो अब वहाँ गए फराज की जेब में थे 300 रुपये इफ्तिखार की जेब में थे 700 रुपये इफ्तिखार को मेरी ताकत का पता था कि ये खा सकता है लेकिन वो थोड़ा डाउट में था लेकिन वो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ ना वो मैं आपको सेट कर रहा था कि नहीं भाई 700 रुपये जाएंगे तो रुको नहीं वो इफ्तिखार वाज विलिंग टू गो ऑल इन तो हम शुरू हुआ तो हम शुरू हुए तो मैंने एक स्लाइस खाया दो खाए तीन खाए जब आधा पिज़्ज़ा हो गया ना इफ्तिखार की आंखों में ना आंसू थे नहीं इफ्तिखार ने भाप लेके ये खा लेगा पूरा पिज़्ज़ा वो बार बार था वो तभी करता रहेगा फराज ही खा लेगा ये खा लेगा तो खा ले अच्छा एक पिज़्ज़ा था लार्ज एक था मीडियम थे चार स्लाइस और लार्ज थे 8 स्लाइस मुझे याद गालबन 6-8 स्लाइस थे उनकी वोट एक तो इफ्तिखार और फराज ने 8 स्लाइस खाए 4 स्लाइस खाए साथ कोक भी मैं हाँ कोक भी थी साथ में और मैं पूरे 8 स्लाइस खा गया और जब आखिर 3 स्लाइस रह गए थे ना इफ्तिखार कहता रह गया फराज ही खा लेगा फराज कहा नहीं अभी रुकेगा इफ्तिखार कहता फराज खा लेगा ये उससे रोक ले और हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे फराज कहा नहीं अभी रुक जाएगा ये कहते कहते इफ्तिखार भी ख़त्म फराज भी ख़त्म और पिज़्ज़ा भी ख़त्म हो गया हु वॉज द मोस्ट लाइकली टू क्रैक जोक्स और हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर स्कूल के ज़माने में आशिर के पास ये सब दोनों चीज़ें थी जोक्स होते थे हाँ। आशिर बहुत आशिर उतना ही बहुत गंदे गंदे रीति को सुनाता था लेकिन अब फराज बहुत ज़्यादा आशिर नहीं यहाँ पर फराज के मामू रुक मैं ज़रा लाइट देख लूँ हु वॉज द मोस्ट टॉकेटिव और चैटिंग आर ग्रुप आशिर आशिर बहुत बहुत बातों नहीं था और गंदी बातें करता था आशिर वो वाली बातें करता था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी मिसाल के तौर पे वो ले अच्छा एक लेकिन एक बात है मज़ा आता था ना मज़ा टाइम पास बहुत अच्छा होता था हमारा उस पर हु वाज द बेस्ट एट कीपिंग सीक्रेट्स एंड गिविंग एडवाइस अगेन सेम क्वेश्चन मैं अपने पास रिपीट ना करना हु वाज द मोस्ट एडवेंचरस व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग न्यू फूड्स कुछ हु वाज द मोस्ट सेंटिमेंटल एंड नॉस्टैल्जिक अबाउट आवर चाइल्डहुड मेमोरीज कोई भी नहीं आई गेस आशिर मैं मुझे खुद भी नहीं पता हु वॉज द मोस्ट रिलायबल एंड ऑलवेज देयर फॉर एवरी वन दैट इज सीरियस वन मेरे ख्याल से जमील है क्योंकि इसको मौका इसको मिला 2-3 दफ़ा ओके ओके कोई मसला नहीं लेकिन फराज भी बैठ जाए फराज भी है फराज आई गेस आ रही है फराज भी नहीं फराज भी मैं चलो इसको ना नंबर वाइज कर लेते हैं जमील फिर फराज और फिर मैं बस दो सेकंड नंबर पे या तीसरा नंबर है एग्जिस्ट नहीं करता आशिर नहीं है हु वाज द मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट थिंग्स और लूज आइटम्स फराज फराज भी बहुत भुलक्कड़ है फराज चीज़ें पहले नंबर में फराज दूसरे नंबर में फराज चीज़ें बहुत भूल जाता है आशिर भी है चीज़ें नहीं भूलता मैं हु वाज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल इन आवर ग्रुप जमील
अब आपने एक चीज़ इन सब चीज़ों सवाल हमारे सवाल खत्म हो गए तकरीबन कोई 15-25 सवाल थे, आपने इन सब सवालों से नोट किया कि जितनी अच्छी चीज़ें थी अच्छी क्वालिटीज़ थी वो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इज्जत रखी मेरी, मेरे पास ये सारी क्वालिटीज़ आई हैं, और जो गंदी चीज़ों से रिलेटेड गंदी लतीफ़ों से रिलेटेड गंदी बातों से रिलेटेड बातें आशिर की खाते में आई हैं, और दो अच्छी बातें फराज के पास आई, इसके पास भी पल्ले कुछ खास नहीं है ऐसा मेरे हिसाब से। तो अवार्ड आपको दें? नहीं मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे फराज का लैपटॉप चाहिए बस, बाकी फराज के हिसाब से आप क्लियर हो जाएगा। यहीं पर एंड करते हैं, और ऐसी ही अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और घंटे के निशान पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और फिर मोटिवेशन भी देनी चाहिए ना फराज को, और अपने 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 भी दोस्तों के साथ जो आपके चाइल्ड हुड मेमरीज उनको भी शेयर कीजिएगा। हम आपको कमेंट्स पर पढ़ना बड़ा पसंद करते हैं, आशिर खास तौर पे क्योंकि मैं और फराज तो वीडियोज़ देखते ही नहीं हैं। और आप लोग शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम नहीं करते, आप शेयर कर सकते हैं, डू सपोर्ट आशिर बिकॉज वी डोंट। थैंक यू सो मच, ओके।